राजा भैया का बड़ा ऐलान। सपा बीजेपी किसे देंगे समर्थन? राजा भैया ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। यूपी की सियासत में राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह अपना अहम स्थान रखते हैं। प्रतापगढ़ की सियासत राजा भैया के इर्द गिर्द ही घूमती है। राजा भैया के प्रभाव वाली कौशाम्बी लोकसभा सीट पर पांचवें और प्रतापगढ़ सीट पर छठे चरण में वोटिंग है। इस बीच राजा भैया किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। दरअसल कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में राजा भैया बीजेपी की मदद कर सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को भी राजा भैया से बड़ी उम्मीद लगी थी। बीजेपी और सपा दोनों ने ही राजा भैया के समर्थन की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन उन्होंने बीच का रास्ता अपनाते हुए किसी के पक्ष में कोई निर्णय लेने के बजाय न्यूट्रल रहने का फैसला किया है। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है, और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर चुके हैं। बता दें कि बीते मंगलवार को राजा भैया ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें राजा भैया ने अपने समर्थकों से कहा कि वह किसी भी दल या नेता को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। राजा भैया ने ये ऐलान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशाम्बी के बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर से अपने महल में 20 मिनट तक चली मीटिंग के बाद किया। दोनों विधानसभा कोयडा और बाबागंज में सारे राष्ट्रीय दल को पीछे छोड़ दिया, कहीं भाजपा तीसरे पे आई, कहीं सपा तीसरे पे आई। दोनों जगह जनसत्ता दल से शैलेंद्र जी को इतना आशीर्वाद मिला कि भारी अंतराल से ये जीते। कौशाम्बी में जाकर के हम कौशाम्बी जनपद में कमजोर हो, ये सच्चाई आपके सामने है। सभी लोगों ने मेहनत करी। अब जब लोकसभा आया तो किसी कारणवश या कुछ कारणों गठबंधन नहीं हो सका किसी दल से, और यह निर्णय लिया गया कि इस बार जनसत्ता दल के झंडे से चुनाव नहीं लड़ना है। आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए, हम सभी लोग जैसे परिवार में रहते हैं, छोटे मोटे निर्णय स्वयं लिया करते हैं, लेकिन जब बड़ा कोई बात होती है तो मैंने अपने परिवार में पूछा था कि कहो यहाँ वो सभी ने ऐसी ऐसी बात की अनुमति ली है। तो ये परिवार की बैठक हो रही है, ये कोई जनसभा नहीं है। अब परिवार बड़ा है तो बैठक भी बड़ी होगी, और ये आपसे दिशा निर्देश, आपकी राय लेने के लिए, जिसमें कहीं किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हमारे मन में कुछ उलझन है, कुछ समस्या है, और एक से अधिक के अपने इस राजनीतिक जीवन काल में हमने पूरी सदैव पारदर्शिता रखी है, अपनी विश्वसनीयता बना करके रखी है, और हमारी सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि जो आपका स्नेह, आपका प्रेम और आपका विश्वास मुझको मिलता रहा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की भी चर्चा है कि राजा भैया सपा का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहरहाल देखना होगा आगे क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।